वेलकम टू यास्मीन हुमा खान किचन। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं राजमा चावल। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम राजमा ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था, तो अब हम इसे बॉईल करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने आधा चम्मच नमक डालना है और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर बॉईल कर लेंगे। हाफ चम्मच नमक डाल देंगे हम यहाँ पर और बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून वो डाल दिया और 1 कप पानी डालकर 3 सीटियां लगा लेंगे। उसके बाद करीब 10 मिनट इसे स्लो फ्लेम पे इसके प्रेशर में पकाएंगे ताकि जो राजमा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तब तक ये पकाना है, तब तक हम इसके मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट है, मगर इसे ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे क्योंकि हमने राजमे में सॉल्ट डाला हुआ है। 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 3 टमाटर फाइन चॉप, 6-7 हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट। इनको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है और कोरिएंडर, 1 बार कोरिएंडर निकलेगा इसमें, तो आधा तो हम पकाते वक्त डालेंगे और आधा ऊपर से गार्निश करने के लिए डालेंगे। 150 ml कुकिंग ऑयल, इसको भी हम 2 दफ़ा यूज़ करेंगे। तो आइए पकाना शुरू करते हैं। हमने इसमें आधा ऑयल डाल दिया है और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून फुल ज़ीरा, इसको थोड़ा पिंकिश होने देंगे। हमारा ज़ीरा तड़कने लगा है तो अब इसमें हम डाल देंगे अनियन और थोड़ी सी बचा देंगे, तो पिंकिश होने देंगे अनियन को। अनियन हमारी पिंकिन हो चुकी है तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और गरम मसाला, मसाले सारे डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, धनिया, हल्दी सब कुछ डालकर अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके भूनते रहेंगे ताकि जो टमाटर है हमारे एकदम से सॉफ्ट हो जाए। आप इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन उससे ये है कि ये जो टमाटर हम डाल रहे हैं इससे कुछ टमाटर तो बिल्कुल ही मैश हो जाएंगे और कुछ बचे रह जाते हैं, तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी मज़ेदार होते हैं। तो टमाटर हमने कट करके डाले हैं, आप चाहे तो प्यूरी, टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं। और इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन और उसके साथ साथ डाल देंगे सॉल्ट। सॉल्ट हमने कम डाला है, चेक करके डालेंगे बाद में, ये हमने सॉल्ट को थोड़ा कम ही डाला है मसाले के मुताबिक। मसाले को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से भून लीजिए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है और आपको हम दिखा दें कि राजमे की जो कंसिस्टी है कुछ इस तरह की होनी चाहिए। देखिए एकदम ये सॉफ्ट है और अभी साबुत भी है, ये देखिए। तो अब हम इसमें ये मसाले में डाल देंगे, ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें अब डाल देंगे हम राजमा, इसके पानी के साथ ही डालेंगे। इसे हम स्लो फ्लेम पे, अगर आपको पानी की थोड़े ज़्यादा थिक पसंद है तो इतना काफ़ी है, अगर आपको पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, थिकनेस थोड़ी कम चाहिए होती है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर आप अपना नमक जैसा भी है, जिस तरह आप खाते हैं उस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर खाने के बाद में अगर पका हुआ हो तो बहुत बुरा लगता है कम नमक। तो उसके साथ साथ हम डाल देंगे हरी मिर्चें, लंबाई में कट की हुई है मैंने, ये हम डाल रहे हैं और इसे 5 से 7 मिनट स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे और उसके बाद में इसे बंद कर देंगे, चूल्हा फ्लेम बंद कर देंगे हम। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हमारे पकते हुए राजमे के लिए, तो अब ये बिल्कुल तैयार है। इसमें हम ऊपर से तड़का देंगे, इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे
बचा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लेती हूँ, और हाफ लेमन जूस क्योंकि ये तैयार हो चुका है। और इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हमने एक पैन ले लिया है, उसमें बस जो बचा हुआ तेल था थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। हाफ टी स्पून के करीब जीरा डालेंगे। ये जबरदस्त फरमाइश पर मैंने ये राजमा चावल बनाए हैं। जिन लोगों ने फरमाइश की थी इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। अब इसमें डाल देंगे हम अनियन, लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारा तड़का एकदम से तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें तो तैयार है हमारे राजमा। एक गिलास चावल हमने भिगो के रखे हुए थे 1 घंटे से, तो अब ये पकाने के लिए एकदम से तैयार है। और 1/2 टेबल स्पून फुल सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून के करीब हमारा ऑयल है, वो हम वेसल में डाल देंगे। वेसल हमारा गर्म हो चुका है, और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब जीरा। जीरे को थोड़ा पिंकिश होने देंगे, इसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना करें, क्योंकि डार्क कलर मुझे किसी भी चीज़ में बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए हो चुका है, अब इसमें हम ऊपर से एक गिलास चावल थे हमारे, और इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इसमें चम्मच ना चलाएं अभी, ये लीजिए 1 गिलास डाल चुके हैं, 1/2 गिलास ये है, 1.5 गिलास पानी डालेंगे क्योंकि ये 1 घंटे चावल भीगे हुए हैं। और इसमें सॉल्ट डाल देंगे क्योंकि इसमें अब पानी डल चुका है, इसमें अब चम्मच चलाया जा सकता है। और यहाँ आप इस पानी में नमक चेक कर सकते हैं। पानी में हमारा बॉईल आ चुका है, तो इसके बाद में इसमें 8 से 10 मिनट लगेंगे पकने में। अगर आपके चावल लगता है कि थोड़े खड़े हैं तो चूल्हे का जो फ्लेम है उसे स्लो कर दीजिए, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे चावल। और चावल में बार बार चम्मच न चलाएं, इससे चावल टूट जाते हैं। 8 मिनट हो चुके हैं हमारे चावलों को पकते हुए, और देखिए चावल हमारे एक एक खिले खिले हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं चावल। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे राजमा चावल को। तो तैयार है हमारा राजमा और चावल आप ही की फरमाइश पर, और ये बहुत अच्छा बनता है। इसे आप चिकन, मटन या बीफ में भी डालकर पका सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़ेदार बनता है। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।